उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर सिडकुल की अशोक लीलैंड कंपनी द्वारा डिप्लोमाधारी कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकालने का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कर्मचारी और अब कांग्रेस नेता भी इस लड़ाई को लड़ने कर्मचारियों के साथ आ गए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने दर्जनों कर्मचारियों के साथ एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएसपी से उनकी तीखी बहस भी देखने को मिली। बता दें कि पंतनगर के सिडकुल की अशोक लीलैंड कंपनी में 4.5 साल की डिप्लोमाधारी कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें किसी कारणवश कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर माह में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अब तक हीला हवाली की जा रही है। जिन श्रमिकों से पूछताछ कर बयान दर्ज करने थे, उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। जिन लोगों ने युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामला ये है कि अशोका लीलैंड में 12th पास करके बच्चों को नौकरी में रखते हैं, और ये कहा जाता था कि भाई आप तो हम डिप्लोमा कराएंगे, आप यहीं पढ़ेंगे भी और यहीं आप रहेंगे भी, और कुछ उसके लिए मानदेय भी मिलता था, और 3 साल का उनका डिप्लोमा का कोर्स है, उसके बाद उन्हें वहीं जॉब मिली। लेकिन 9 साल की जॉब करने उन्हें पता चला कि वो डिप्लोमा फर्जी है। तो बच्चों ने कहा भाई अशोका लीलैंड ने जो हमें डिप्लोमा कराया, हमारे 9 साल बर्बाद किए हैं, वो गलत है। उसके खिलाफ उन्होंने जो है मुकदमा किया है, पुलिस ने मुकदमा लिया, और हम ये चाहते हैं कि क्यों उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। ऐसे नामी कंपनी अशोका लीलैंड जो अपने आप में ब्रांड है, तो वो ऐसा क्यों कर रही। तो हम पुलिस के पास आए थे कि जो मुकदमा लिखाया हुआ है उसमें जल्दी से कार्रवाई हो, और जो है इनके खिलाफ सख्त जो है कि कार्रवाई हो। वहीं एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि मामले में 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीओ सिटी का चार्ज देख रही आईपीएस अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अभी पुलिस ऑफिस में माननीय विधायकगण और कुछ जो यहाँ पे अशोक लीलैंड के कर्मचारी के द्वारा जो है यहाँ पे आवेदन किया गया कि जो इन एफआईआर इसमें पंजीकृत हुई है 30 दिसंबर को, उसमें कार्रवाई को लेकर इन्होंने मांग की थी। तो हमने इनको बताया है कि कानूनी प्रक्रिया इसमें चल रही है, एफआईआर इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है इन्हीं की डिमांड पर, कुछ लोगों द्वारा डिमांड की गई थी, तो उनके आधार पर, उनकी एप्लीकेशन के आधार पर उसकी विवेचना जो है एएसपी उधम सिंह नगर सीओ सिटी का चार्ज जो देख रही है उनको ट्रांसफर की जा चुकी है। इसमें एफआईआर चूंकि प्रक्रिया में है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हमने इनको ये आवेदन किया है कि जो भी एविडेंस ये देना चाह रहे हैं उसको हम ये दे दें, और हमने ये भी कमिट किया है कि इसको हम जल्दी से जल्दी इसको एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करके इसको कम्प्लीट करने की हम कोशिश करें। देखिए, इसमें एविडेंस कलेक्शन की प्रक्रिया जारी है, लगातार बयान दिए जा रहे हैं, वादी पक्ष के बयान भी चल रहे हैं, और इस प्रक्रिया को हमने स्पीड अप करने के लिए भी इनको बताया है। बहरहाल पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी नामी गिरामी कंपनी ऐसा कैसे करती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।